गत दिनों पहले मीडिया ने आपको दिखाया था कि किस तरह वार्ड नंबर 40 के बीजेपी नेता और पार्षद पति ने प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे देखते ही देखते बेसमेंट सहित 6 मंजिला इमारत बिना मंजूरी के खड़ी कर दी थी, जिससे प्रशासन और सरकार को लाखों का चूना लगाया गया। जहां बीजेपी सरकार के हुक्मरान ईमानदार सरकार होने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिली। किस तरह नेताजी ने प्रशासन की कानूनी हिदायतों को ताक पर रख दिया, जनाब रखते भी क्यों नहीं, प्रशासन तो सोया हुआ था। लेकिन खबर चलते ही निगम प्रशासन की नींद उछट गई और हड़बड़ाकर हरकत में आया और आनन फानन में संबंधित इमारत के मालिक भाजपा नेता को नोटिस देकर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। वहीं नगर निगम SDO सुशील कुमार का कहना है कि इमारत के मालिक द्वारा निगम विभाग को संतुष्ट जनक जवाब नहीं मिलता तो निगम प्रशासन इमारत मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त इमारत को तोड़ दिया जाएगा। साथ ही SDO सुशील कुमार ने माना कि निगम प्रशासन की तरफ से इस इमारत की कोई मंजूरी नहीं दी गई है, अगर नोटिस का सही जवाब नहीं आता तो उनके खिलाफ कानूनन कार्यवाही की जाएगी। ये वो जो 6 मंजिला इमारत है, पहले भी मैंने बताया था, वो कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई करी जाएगी। नोटिस हमने उनको दे दिया है, 261 का नोटिस दिया जाता है हमारे यहाँ से, तो नोटिस उनको दे दिया है। नोटिस में टाइम होता है, 3 दिन के अंदर उनको जवाब देना है। जवाब क्या देते हैं, क्या उनका कोई नक्शा पास है या कोई वो ऑथराइज है, कहीं से परमिशन ले रखी है तो वो बताएंगे, अगर नहीं परमिशन ले रखी है तो फिर उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हमारे को तो पता है वो परमिशन नहीं ले रखी है, पर नोटिस हमने उनको शो कॉज नोटिस दिया है, तो शो कॉज नोटिस का उनको जवाब देने का टाइम तो हमें देना पड़ेगा। अब देखना यह है कि आखिरकार कब तक अवैध निर्माण का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और कब तक निगम प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोता रहेगा और भ्रष्टाचार को यूं ही बढ़ावा मिलता रहेगा।